इन दोस्त मैं आपका दोस्त सवाजीत, जहां पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियनशिप के बारे में पूरी जानकारी लेके आ चुका हूं, जो कि इंडिया नेपाल के बीच इंटरनेशनल चैंपियनशिप पोखरण नेपाल के अंदर होने जा रहा है और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 24 सितंबर 2022 को इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें एथलेटिक, कबड्डी, वॉलीबॉल और मार्शल आर्ट जैसे खेलों का यहां पे आयोजन किया जाएगा, जो कि 20 तारीख से लेके 24 तारीख यानी 24 सितंबर 2022 के बीच से इस प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा क्या क्या। इसमें आपको ट्रैक सूट मिलेगा, 2 टी शर्ट मिलेंगे, शूज यानी जूता मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, बैग मिलेगा और जिसको मेडल प्राप्त होगा उसको मेडल भी मिलेगा। इसके अलावा आप लोग इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर कहलाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एक इंडिया का आप टी शर्ट पहन सकते हैं, इंडिया का लेबल लगवा सकते हैं, वो भी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। इसके साथ साथ आपके जो भर्ती प्रक्रियाएं होंगी ओपन कैटेगरी की, ओपन स्पोर्ट कोटा की जो भर्ती होते हैं उसमें इस सर्टिफिकेट का मान्यता नहीं है, परंतु जो लिखित पेपर के माध्यम से आप भर्ती होने जाएंगे वहाँ पे इसका छूट जरूर मिलेगा। ये समय के अनुसार निर्भर करता है कि कौन सी भर्ती किस लेवल की है, लेवल पे आपका निर्भर करेगा। तो यहाँ पे आपको भर्तियों में छूट भी देखने को मिलती है और ये सबसे आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यदि आप लोग खेलना जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 6,000 से अधिक आपको सामान में खर्चा ये लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके आने जाने का पूरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाएंगे, साथ में रहने का, खाने पीने का भी इन लोग का खर्चा स्वयं ही आप लोग के लिए उठाएंगे। तो जो भी इच्छुक प्लेयर हैं यहाँ पे जाने के लिए, सर्वेश यादव नेशनल मेंबर, अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्ट एंड NIS कोच, 8877436287 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी अर्जित कर सकते हैं, उसके बाद ही इस पार्टिसिपेट करने वास्ते आप जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सबको बताएं कि जो अभी तक इंडिया लिखवा नहीं पाए वो इंडिया लिखवाने का एक उनके पास सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। तो यानी टोटल यहाँ पे फीस आपकी 13,000 रुपये लगने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।